है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। दो दर्जन अज्ञात दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों की बेरहमी से की पिटाई। जी हां, जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने महिलाओं को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा। आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल और पुश्तैनी मकान पर दबंग जबरन कर रहे थे कब्जा और विरोध करने दो दर्जन से अधिक लोगों ने की चढ़ाई। जी हां, पुलिस चौकी कहिंजरी ने बढ़ती लापरवाही। रसूलाबाद थाना की पुलिस चौकी कहिंजरी से चंद कदमों की दूरी पर हुई है ये घटना। रोहित शर्मा, संजय नगर निवासी, संजय नगर सिटौपुरवा। क्या मामला है, क्या हो गया? मामला ये है कि मेरी मम्मी का नाम रन्नो देवी, पिताजी का नाम कृष्ण कुमार जी, और राहुल और शिवम जी, पुत्र राकेश शर्मा, इन्होंने हमारा मकान बैनामा कर दिया है हरनाम सिंह को। हाँ। और रहने वाले हरनाम सिंह हंसी निवादा। हाँ। पिता का नाम राम आसरे और उनके भाई लोग दबंग लोग आके और वो मेहरा के छुन्ना सिंह आके उन्होंने कहा कि चलो मकान कब्जा कर लो। कब्जा करने के बाद मम्मी मेरी अंदर बर्तन धो रही थी, लेडीजें आई और 20-25 अज्ञात आदमी लोग आए, उन्होंने मम्मी को मारा, पापा को उठा के धान के खेत में वहाँ पे मारा, निकाल के वहाँ पे उनकी खोपड़ी उपड़ी फट गई है, मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है। मामले में अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई? अभी कोई मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की है कि जो सीओ एसपी साहब को हमने फ़ोन किया जब, तब उन्होंने बोले कि हम थाने में फ़ोन कर रहे हैं, अभी पुलिस आ रही है। एक घंटे बाद पुलिस आई तो सामान जो हमारा बाहर फेंक दिया था वो एसओ साहब ने अंदर उठवा दिया, रखवा दिया, हमारा जहाँ सामान रखा था वो अंदर उठवा रखवा दिया। रखवाने के बाद मम्मी को भी हम जब आए तो थाने लेके आए मम्मी को, मम्मी पापा को, सभी लोगों को लेके आए। तो अभी यहाँ जाँच पड़ताल चौकी इंचार्ज की सह से सारा काम हुआ है। और ये हमारा मेरे भाई की 22 तारीख को गोद भरने आ रही थी, 22 तारीख को, तो वहाँ पे हमने पैसे भी रखे थे तो वो पैसे भी चोरी करके ले गए हैं। तो जो आज घटना जब हुई तो आपने चौकी पुलिस को सूचना दी तो वहाँ छुन्ना सिंह मेहरा के वहाँ पे थे, हमारे फूफा जब गुस्सा हुए गाली गलौज किए तब पुलिस चौकी इंचार्ज आया वहाँ पे, तब अभी भी वहाँ बैठा हुआ है उनकी तरफ, हमारे मकान पे नहीं बैठा हुआ है, उनको मतलब उनकी रखवाली कर रहा है। कुल कितने लोग घायल हुए? कुल 5 लोग, अतिन शर्मा और अंजलि शर्मा, पुत्र सनाप पुत्तू शर्मा।